इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है श्रीलंका दौरे के लिए और T20I के नए कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या को टीम की कमान नहीं मिली है। शुभमन गिल की बात करें तो वनडे और T20 के उप कप्तान के तौर पर नजर आएंगे। रोहित और विराट की एंट्री हो चुकी है। रोहित जो है वो ODI फॉर्मेट के कप्तान होंगे। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव वर्सेस हार्दिक पांड्या चल रहा था, जहां पर हार्दिक पांड्या को टीम की कमान नहीं सौंपी गई है। सूर्य कुमार यादव T20I के नए कप्तान होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसे खिलाड़ियों की जिनकी एंट्री हुई है, यानी कि नए चेहरे के तौर पर नजर आएंगे। ODI फॉर्मेट की बात करें तो यहां पर एंट्री मिली है शिवम दुबे को, साथ ही साथ यहां पर नजर आएंगे रियान पराग और इसके अलावा हर्षित राणा को भी यहां पर जगह मिली है। तो तीन ऐसे खिलाड़ी जिन्हें ODI फॉर्मेट में जगह मिली है। हर्षित राणा वही खिलाड़ी है जिन्होंने KKR के लिए अच्छी गेंदबाजी की थी और पहले ही मैच से उन्होंने अपना रुतबा बना लिया था और अच्छी खासी गेंदबाजी वो करते नजर आए थे। हालांकि गौतम गंभीर की बात करें तो हेड कोच के तौर पर नजर आएंगे। श्रीलंका दौरा उनका पहला दौरा होगा और यहीं से कई सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। हर्षित राणा वही खिलाड़ी जिन्होंने KKR का एक अहम योगदान दिया था। साथ ही साथ रियान पराग की बात करें तो रियान पराग ने भी IPL में अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि जिम्बाब्वे दौरा उनका कुछ खास नहीं गया था, लेकिन यहां पर भी उन्हें T20I और ODI फॉर्मेट में जगह मिली है। इसके अलावा बात करें तो शिवम दुबे को भी T20I और ODI फॉर्मेट में जगह मिली है। तो तीन खिलाड़ी जो हैं वो नए चेहरे के तौर पर नजर आएंगे और ये तीन खिलाड़ी होंगे शिवम दुबे, रियान पराग और हर्षित राणा। तो देखिए T20I स्क्वाड की बात करें तो यहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन होंगे, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, जायसवाल, रिंकू सिंह, पराग पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, दुबे, अक्षर पटेल, सुंदर, विश्नोई, हर्षदीप सिंह, खलील अहमद और सिराज, ये T20I स्क्वाड है। साथ ही साथ ODI स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा होंगे कैप्टन, गिल होंगे वाइस कैप्टन, विराट कोहली होंगे, KL राहुल, पंत, अय्यर, दुबे, कुलदीप यादव, सिराज, सुंदर, अर्षदीप सिंह, पराग होंगे, अक्षर पटेल होंगे, खलील अहमद होंगे और हर्षित राणा आपको नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका टूर के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20I की बात करें तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तानी के तौर पर नजर आएंगे। वहीं ODI फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन के तौर पर नजर आएंगे, यानी कि जो रोहित विराट की जोड़ी है एक बार आपको फिर से नजर आएगी श्रीलंका दौरे के लिए। और यहां से सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो हार्दिक पांड्या पर थी, क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हुआ था के बाद से चर्चाएं थी कि फिक्स्ड है कि यहां पर हार्दिक पांड्या ही टीम के कप्तान होंगे, लेकिन नहीं, यहां पर सूर्य कुमार यादव को नया कप्तान बनाया गया है T20I का। और शुभमन गिल जो कि जिम्बाब्वे टूर जीतकर आ रहे हैं, 4-1 सीरीज अपने नाम की थी, उन्हें कप्तान के तौर पर बनाया गया है। हार्दिक पांड्या को आखिर क्यों कप्तान नहीं बनाया गया, इसके पीछे तमाम सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन यह हो सकता है कि उनकी फिटनेस, जो कि लगातार अनफिट ये खिलाड़ी रहा है। चाहे हम 2023 की बात करें, वर्ल्ड कप था वहां पर भी दो मैचेस के बाद हार्दिक पांड्या जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद काफी लंबे ब्रेक के बाद IPL में वो खेलते नजर आए थे। IPL में उनका प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आया था, लेकिन वर्ल्ड कप की बात करें तो T20I का हिस्सा थे, उप कप्तान के तौर पर नजर आए थे। वहां पर हमने देखा था कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी कमाल करते नजर आए थे और लास्ट मैच आपको याद होगा साउथ अफ्रीका से, वहां पर भी हार्दिक पांड्या जो है वो अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। इसके बावजूद भी उन्हें टीम में कप्तानी के तौर पर नहीं रखा गया। तमाम सारे रीजन हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव से ज्यादा कप्तानी की है, लेकिन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो सूर्य कुमार यादव कहीं बेहतर नजर आए हार्दिक पांड्या से। इसके अलावा यह भी रीजन हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी गई है फिटनेस को लेकर भी, कि फिटनेस कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को यहां पर कप्तानी नहीं मिली है। यह सवाल इसलिए चर्चाओं का विषय है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अच्छा प्रदर्शन किया था वर्ल्ड कप में, उसके बाद से यह थप्पा लग गया था कि हार्दिक ही टीम के नए कप्तान होंगे, लेकिन यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। सूर्य को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। गौतम गंभीर टीम के हेड कोच है और श्रीलंका दौरे से उनका जो है वो अभियान शुरू हो जाएगा। और यहीं से हमने देखा कि रोहित और विराट की वापसी हो चुकी है, रियान पराग भी दोनों टीमों में शामिल है, साथ ही साथ जायसवाल को भी T20I में रखा गया है। ODI फॉर्मेट की बात करें तो हर्षित राणा को वहां पर जगह दी गई है, साथ ही साथ बात करें यहां पर तो ऋषभ पंत को भी जगह मिले, कुलदीप यादव को जगह मिले, संजू सैमसन भी इस टीम में शामिल है, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को जो है वो आराम दिया गया है और रोको की जोड़ी आपको एक बार नजर आएगी। तो देखिए इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है सूर्य कुमार यादव के नए कप्तान बनने को लेकर, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि